हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है? 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है तो कि लॉग की इधर बेस में 5 है और इक्वल टू के सामने भी एक ऐसा टर्म है कि वहाँ पे भी बेस में 5 है। तो अगर ये टर्म को मैं उठा के इक्वल टू के इस तरफ लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा वो माइनस। जैसे ही वो माइनस होगा, बेस सेम, बीच में माइनस, वैल्यू का होता है डिवीजन, है ना। तो वो लॉजिक इधर अप्लाई होने वाला है। तो अप्लाई करते हैं कि लॉग 5 रेज टू 1 अपॉन x प्लस 125 बेस 5 माइनस, इस टर्म को उठा के मैंने इस तरफ लाया तो हो जाएगा लॉग 6 बेस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2x। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब क्या, तो कि बेस दोनों के सेम है, बीच में माइनस है, तो वैल्यू का होता है डिवीजन। वैल्यू का होता है डिवीजन। 5 रेज टू 1 अपॉन x प्लस 125, ये फर्स्ट वैल्यू, डिवाइड में आएगा 6 बेस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2x। ऐसा होगा। अब क्या, तो कि अगर मुझे इस लॉग को रिमूव करना हो, हटाना हो, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में। यानी कि 5 की पावर, जब ये होगा 5 की पावर ये होगा, तब ये वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। 5 की पावर में, 5 की पावर में जब आप 1 प्लस 1 अपॉन 2x करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 रेज टू 1 अपॉन x प्लस 125 by 6। ये स्टेप समझ में आया होगा सभी को, है ना। अब क्या, तो कि 5 की पावर में एडिशन है, तो मैं उसको सेपरेट लिख सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन में। मतलब कि ये 5 की पावर 1 अपॉन x प्लस 125 होल डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 रेज टू 1 अपॉन 2x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मतलब नहीं समझ में आया। तो देखो, 5 की पावर 1 होती है, बेस से पावर का एडिशन, यही तो टर्म बनेगा। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, यस। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 रेज टू 1 अपॉन x प्लस 125, 6 y होता है 30 इंटू 5 रेज टू 1 अपॉन 2x। अब मुझे t सपोज करना है, t किसको t सपोज करूँ? तो कि यहाँ पे तो दो टर्म है, एक 5 रेज टू 1 अपॉन x और एक 5 रेज टू 1 अपॉन 2x। किसको टी सपोज करें? तो इतना याद रखना, जो छोटी पावर हो, जो छोटी पावर हो, स्मॉलर पावर हो, उसको हम टी सपोज करेंगे। तो 1 बाई x छोटा है या 1 बाई 2x लेस है? एक का सिर्फ x पार्ट करोगे और एक का आप 2x पार्ट करोगे तो ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो जो छोटा है उसको हम टी सपोज कर लेते हैं। तो कि लेट 5 रेज टू 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू, मैंने टी सपोज कर लिया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो, तो कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 5 रेज टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 2 2 होगा, ऊपर नीचे 2 2 कैंसल, यानी कि 5 रेज टू 1 बाई x बचेगा। तो अब देखो, सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 5 रेज टू x है, तो उसका मतलब होता है टी स्क्वायर प्लस 125 इज इक्वल टू 30 t, क्योंकि उसको तो हमने t सपोज किया है। सारे टर्म को इक्वल टू के इस तरफ ला देते हैं तो क्या बनेगा? तो कि टी स्क्वायर माइनस 30 t प्लस 125 इज इक्वल टू 0। 25 फाइजा, फैक्टर्स क्या बनेंगे? 25 फाइजा होगा ये, यस। तो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलता है टी, तो टी माइनस क्या आएगा? 25। इसमें से माइनस फाइव कॉमन निकलता है, तो टी माइनस 25, यानी कि टी इक्वल टू, एक में 25 आंसर मिलेगा और दूसरा टी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। क्या मैं टी फाइन करना था? जी नहीं,
हमें टी नहीं, हमें तो एक्स चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो करते हैं, टी मैंने किसको सपोज किया है, तो कि टी मैंने सपोज किया है 5^1/2x इज इक्वल टू टी। तो मैं टी इक्वल टू 25 लेके सोल्व करता हूँ, पहले क्या आता है एक्स, तो कि 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 square, बेस सेम पावर का कंपेरिजन, तो 1/2x इज इक्वल टू 2, तो x ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 1/4। क्या हम वापस पुट कर सकते हैं 1/4? यस, पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम t इक्वल टू 5 पुट करते हैं, एक सॉल्यूशन तो मिल गया, अब दूसरा निकालते हैं कि 5^1/2x इज इक्वल टू t की वैल्यू मैंने ली है अब 5, तो 5 की पावर 1 होती है, तो 1/2x इज इक्वल टू 1, x इधर जाएगा, 2 को इज इट इज रखो, तो x की वैल्यू मिली 1/2। तो दोनों आंसर है ना, 1/4 एक सॉल्यूशन और दूसरा है 1/2 सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इक्वेशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखते हैं लास्ट एक दो क्वेश्चन और, जैसे आपका ये स्ट्रांग हो जाए लॉगरिथमिक इक्वेशन।